हाय, आप सबको पता है कि महाराष्ट्र का स्पेशल मोदक है और मोदक मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैंने आज यहाँ पे दो तरह के मोदक बनाए हैं और दोनों ही बहुत इजी हैं, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम सामान से बन जाते हैं। तो चलो मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं खजूर, 1 कप खजूर है, अराउंड 100 ग्राम के आसपास है। और ये मैंने हाफ कप लिया है बादाम, और 1/3 कप है किशमिश, और 1/4 कप है अखरोट। और ये मैंने हाफ कप लिए हैं काजू, और ये मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर लिया है, और इसे मैं अच्छे से स्प्रिंकल करके, और इसे मैंने पीस लिया है मिक्सी में थोड़ा सा दूध डाल के, यानी कि 4 से 5 चम्मच दूध डाल के मैंने इसे पीस लिया है। और अब मैंने इसके अंदर 2 चम्मच के आसपास नारियल का बूरा डाला है। वो इसलिए कि अगर थोड़ा बहुत जो दूध का पानी की वजह से गीलापन आया है वो ये नारियल उसे सोख लेगा, और नारियल से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब जो हमारा मोदक बनाने का सांचा है, मोल्ड पे मैं घी लगा दूंगी। इससे क्या होगा कि जो हमारा मिक्सचर है वो मोल्ड में चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है हमारा मिक्सचर, और इसे मैंने मोल्ड के अंदर डाल के और उंगली से बीच में थोड़ा सा जगह बना ली है। इसके अंदर मैंने डाली है चॉकलेट, ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं वरना स्किप कर देना। तो ये डार्क चॉकलेट है और इसे मैंने मेल्ट कर लिया था। 2 चम्मच चॉकलेट डाली है, और थोड़ा सा और हमारा मिक्सचर लेके और इसे मैं कवर कर दूंगी और इसे अच्छे से सील कर दूंगी। तो ये देखो हमारा मोदक बन गया है। मैं इसको आपको मोल्ड से बाहर निकाल के दिखाती हूँ। बहुत इजीली निकल जाता है, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हाथों से, और ये निकल गया। हमारा एक मोदक बन गया है और देखो कितना अच्छा शेप आया है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत टेस्टी बनता है। तो अभी हमारे दूसरे मोदक की हम तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे पैन में मैंने घी लिया है, देसी घी लेना आप, 4 चम्मच के अराउंड घी है ये, और इसे मेल्ट होने देंगे हम अच्छे से। और अब मैंने यहाँ पे लिया है बेसन, 1 कटोरी बेसन है, और इसे मैंने छान लिया था, इसमें गुठलियाँ नहीं है, आपके बेसन में गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि घी कम है, बट नहीं, जब आप इसे अच्छे से कंटिन्यू मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखो इसे मैंने अच्छे से भून लिया है 5 से 6 मिनट के आसपास लो फ्लेम पे। और अब मैंने इसके अंदर डाला है 1 कटोरी दूध। आप याद रखना बेसन बहुत जल्दी जलने लग जाता है, तो इसे आप कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, और फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में रखेंगे। तो ये मेरा दूध अच्छे से पक गया है, और जो हमारा बेसन है वो एक डो के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब मैंने इसके अंदर आधी कटोरी, यानी कि जिस कटोरी से मैंने दूध लिया था उसी कटोरी का आधा हिस्से से मैंने नारियल का बूरा डाला है इसके अंदर, और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी ये मिक्स नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। तो मैं आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने केसर का दूध डाला है थोड़ा सा, वो फ्लेवर के लिए एंड टेस्ट के लिए। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप वो डाल देना, बट मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने चाशनी बनाई है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी ली है चीनी और 1/2 कटोरी लिया है पानी, कोई एक तार की चाशनी नहीं है। नॉर्मल हमें चीनी को डिज़ोल्व होने तक पकाना है, जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी हम अपने बेसन के घोल में से डाल देंगे। तो ये उबाल आ गया है और ये चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, और मैंने हमारे बेसन में चाशनी को डाल दिया है, और अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये बहुत इजीली सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बट आपको एक बात का ध्यान ये देना है कि जैसे आप चाशनी बनाने के लिए जाएंगे उससे पहले आप गैस को बंद कर देंगे। अगर आपने गैस ऑन रखी और आपका पैन अगर गर्म रहा तो आपका बेसन जल जाएगा। चाशनी डालने के बाद मैंने पूरा अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए गैस को ऑन किया था, वो भी कम फ्लेम पे, और इसके बाद हमारे बेसन को ठंडा कर लिया है। अब जो हमारा मोल्ड है उसके अंदर फिर से मैंने घी लगाया है ताकि हमारा बेसन अच्छे से निकल जाए। और ये मैंने थोड़ा सा हमारा मिक्सचर लिया और इसको मैं दोनों साइड में अच्छे से भर दूंगी। ये एक साइड हुआ और थोड़ा सा ही मैं दूसरे साइड में भी लगा दूंगी। अभी आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, बट मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आपका मोदक बहुत अच्छे से बन जाएगा और कहीं से भी जगह नहीं छूटेगी, हर जगह अच्छे से फिल हो जाएगी। तो मैंने पहले पूरी अच्छी तरह से हर जगह से भर के
और इसके बीच में फिर मैंने डाले हैं थोड़े से काजू एंड बादाम, कसे हुए हैं ये। और फिर इसको दोनों को हम अच्छे से आराम से हल्के हाथों से दबा देंगे। तो ये दबाने से क्या हुआ, जो भी एक्स्ट्रा था वो निकल गया। हाँ, आपको दिख रहा होगा अगल बगल में जो भी निकला है, जो एक्स्ट्रा है वो मैंने हटा दिया और इसको नीचे से अच्छे से टैप टैप करके बंद कर दिया है। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा था मिक्सचर हमारा वो निकल गया है और ये हमारा मोदक बन गया है। ये देखो मैंने इसको खोला और कितना अच्छा शेप आया है। और ये भी बहुत आसानी से, बहुत इजीली निकल जाता है। ये देखो कितना आराम से निकल गया। और अभी मैंने इसके ऊपर वर्क लगाया है। तो मैंने क्या किया था, जो ये ड्राई फ्रूट्स वाले थे ना, इसको मैंने बना के थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक मैं बेसन वाले बना रही थी। तो ये अच्छे से सेट हो गए हैं और ये मैंने दूसरे वाले पे भी वर्क अच्छे से लगा दिया है। ट्रस्ट मी, ये दोनों ही बहुत टेस्टी बनते हैं। और आप ये डेकोरेशन जो है आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि आपके मोदक कैसे बने थे। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल नोटिफिकेशन। और आई होप आपको पसंद आया होगा, कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं नेक्स्ट चीज़ क्या बनाऊँ। तो फिर मिलेंगे, बाय।